वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं क्रैब मसाला। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ के 5 खेकड़े लिए हैं। इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ अनियन, 1 मीडियम साइज टमाटो, 2 से 4 ग्रीन चिली, बारीक कटे हुए धनिया, सॉल्ट एज पर टेस्ट। सबसे आखिर में हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बाउल ऑफ वाटर लिया है। बस खेकड़ा थोड़ा सा भीगना चाहिए ऊपर से, बस उतना ही। अभी हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसे सीटी लगवा देंगे। बहुत से लोगों को तीखा पसंद नहीं होता है, मुझे स्पेशली क्रैब जो होता है वो तीखा ही पसंद है। तो मैंने 2 टीस्पून लिया था रेड चिली पाउडर, आप अपने हिसाब से डालिए। मैं यहाँ पर 3 से 4 विसल्स तक रख रही हूँ इसे। इसे अच्छी तरीके से अंदर से भी मुझे इसका फ्लैश जो है वो अच्छी तरीके से पका हुआ अच्छा लगता है, तो आप लोग भी इसी तरीके से रखिएगा। इसके बाद हम एक वेसल में ऑयल ले लेंगे, देन उसके बाद हमारा जो भी हमने गलाया था क्रैब वो उसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे पानी जो है वो ज़्यादा उड़ा तो आपके ऊपर उड़ जाएगा, तो बेटर है कि पहले आप क्रैब डालें, उसके बाद ऊपर से जो भी उसका सूपी मटेरियल है उसमें डाल दें। ये ऑलमोस्ट वैसे बन चुका था, बस अभी हमें बस उसका जो वाटरी कंटेंट है उसे, मसाले जो भी है वो अंदर क्रैब में जाना चाहिए, तो उसे अच्छे से औटाना है, हाई फ्लेम पर पकवाना है। तो देखिए ये हमारा क्रैब रेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट सारा वाटरी कंटेंट इसका इसमें अब्जॉर्ब हो चुका है। तो ये हमारा क्रैब मसाला तैयार। तो ये थी मेरी क्रैब मसाला की छोटी सी रेसिपी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इसे घर में, बहुत टेस्टी बनती है ये। और ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।